and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। बहुजन समाज पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र एवं चेहरों को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही समाजवादी पार्टी फिर अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई है। जी हां, बात करें तो सोमवार को जारी अपने बयान में मायावती ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी मुखिया जिसे भी गठबंधन की बात करती है, उनकी पहली शर्त बहुजन समाज पार्टी से दूरी रखने बनाने की होती है, जिससे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे ही समाजवादी पार्टी के साथ 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए इनके सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए, जिनमें से बसपा यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा था। इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बहुजन समाज पार्टी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहां कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तथ्यों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की यही मांग है। तो कुछ इस तरीके से लगातार जिस तरीके से 2024 में इंडिया गठबंधन की बात कही जा रही है, इस कड़ी में मायावती ने समाजवादी पार्टी पर एक और बयान देकर चौंका दिया है और इशारा दे दिया है कि वो शायद इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने वाली है। बाकी आप इसको कैसे देखते हैं बताइए।